जी इरफान साहब है। दो मिनट यार, इससे पता करता हूँ वोट किस कास की है जी। इसने सुबह सुबह ही वोट शेयर हुआ 158 दे खलवा 158 दे इतबार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एनसी व्लॉग। इसके हाल है आप सबका? ठीक है यार, वो जा रहा हूँ वोट जो है कास्ट करने अपने, तो मैंने कहा चले आज शॉर्ट सा थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं कि आप सबसे पूछ लेते हैं कि आपने कौन सी पार्टी को सपोर्ट किया है, कौन सी पार्टी को अपना जो है वोट जो है पोल किया है। मैं तो इंशाल्लाह जी सबको पता है मेरा, तो मैं तो तहरीक लबैक पाकिस्तान, और इंशाल्लाह क्रेन पर ठप्पा लगाना है तो अभी जा रहा हूँ जी। मतलब हम एक ऐसी पार्टी में आए हैं, एक ऐसी पार्टी में हैं क्योंकि यहाँ पर वो हमारी वो पार्टी है जिस पर जुल्म और सितम भी किए गए हैं, और एक ऐसी पार्टी में जिसमें आने से पहले मतलब कोई बात हो तो पहले जज्बात पहले उभर आते हैं। इंशाल्लाह जी तहरीक लबैक पाकिस्तान को वोट अपने पोल करना है। बाबा जी का वो है ना कि बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि यार हमारी तो जान माल भी जो है ना हुजूर के वास्ते है, तो पर्ची की क्या हैसियत है हुजूर, हम तो जान पर आप पर कुर्बान कर दें। तो खैर जी अभी जा रहे हैं, इलेक्शन है आगे, लड़ गया 6-7 ही आगे स्कूल है, तो इंशाल्लाह जी अपना वो वोट जो है वो आज कास्ट करेंगे। इंशाल्लाह तहरीक लबैक को जितवाना है, अपनी पूरी कोशिश है, लेकिन बाकी तो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, और आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। आप सभी बताएं आपने कौन सी पार्टी को सपोर्ट किया, और आप कौन से आप क्या चाहते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो वो कौन बने, नवाज शरीफ बने, इमरान खान बने, हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब बने, या आसिफ जरदारी साहब, कोई भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें एनसी व्लॉग्स। मैं जी आगे आगे जाता हूं तो आपको थोड़ा शार्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि आज काफ़ी टफ मुकाबला होने वाला है। हमारे यहाँ जो मुकाबला है वो क्रैन और शेर का मुकाबला है, तो इंशाल्लाह जी आज शाम को रिजल्ट जब आएगा, रात 12 बजे तक रिजल्ट तो तकरीबन शायद ज़्यादा अनाउंस हो ही जाए, तो देखते हैं जी क्या होता है। लेट्स सी एंड एंजॉय। इंशाल्लाह जी जा रहे हैं और अपनी पार्टी को पूरी कोशिश है कि अपनी पार्टी को जितवाएं, और इंशाल्लाह जितवा कर ही दम लेंगे। पूरी पिछले 5 सालों से इंतज़ार किया है मैंने, अपनी ज़िंदगी का जो पहला वोट था, मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला वोट भी तहरीक लबैक को दिया था, क्रैन पर मोल गया था। बस इस बात पर इस बात का फ़ख्र है कि बाबा जी के होते हमने पार्टी पर जो क्रैन पर मोर लगाई है, बाबा जी के दौरे हाजिर में जिए हैं, बाबा जी के हाथ चूमे हैं, बाबा जी के हाथों में हाथ डाले हैं, बस इसी बात पर घमंड है। जैसे भी हैं सबको आजमा लिया है, इमरान खान को भी आजमा लिया है, नवाज शरीफ को भी आजमा लिया है, सबको आजमा लिया है, तो इंशाल्लाह जी अब हम आजमाएंगे हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब को, क्योंकि हमारा मुल्क जैसे जब से बनना है हमारे मुल्क आज से ज़्यादा हुकूमत तो नवाज शरीफ साहब ने की है, तो उन्होंने हमें क्या दिया है आप सब जानते हैं। तो इस बार मैं सबसे रिक्वेस्ट है, पहले भी मैंने कहा था कि सबको जो है आपने आजमा लिया, इस बार इस पार्टी को आजमा लें, तो प्लीज़ इस पार्टी हमें भी एक बार आजमा लें यार, कुछ नहीं होता आजमाने से, कुछ नहीं होता, सबको आजमा लिया है तो हमें भी आजमा लें। ये जी इरफान साहब है। 2 मिनट यार, इससे पता करता हूँ वोट किस कास्ट किया है जी। इसने सुबह सुबह वोट जो है कास्ट कर दिया, किसको वोट दिया जी, दिल से बताओ जी, दिल से ये जी मुझे पता है इसने किसको वोट। मैं तो वीडियो वीडियो नहीं, वीडियो ना बंद, तो वीडियो पीपल पार्टी सिर्फ के नामे लोग पता पता जिस पार्टी आ दी थी, मैंने चेहरे की खुशी देखने पाया वोट दी। चलो जी यार ना, इसमें जिद इसकी जिद है कि यार वीडियो बंद कर दो, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट सा व्लॉग बनाना था, मैं अभी खुद अपनी जा कर वोट कास्ट करनी है, काफ़ी रश लगा हुआ, मैंने कहा थोड़ी देर बाद वोट कास्ट करते हैं, तो इससे थोड़ी गपशप करते हैं जी।
افی تے تھوڑا گپ شپ کرنے کے بعد میں آگے گیا تو آگے جی اپنی جی سب میرے کزن ہیں تیرے کلا بیگ والے بھائی سب میرے کزن ہیں اور دوسری طرح لگا ہوا تھا کیمپ ان کا نون لیگ والوں کا تھا یہ سب نون لیگ والے تھے اور ایک طرف لگا ہوا تھا پی این پی پاکستان نظراتی پارٹی پی پیپل پارٹی کا اور یہ سب میرے کزن ہیں یہ نے سب کا پرچیاں بنا کر دے رہے تھے کہ جاؤ اپنا ووٹ چیک کرواؤ اور پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ رضوان کہتا ہے یار جو نیچے اسکول ہے ادھر جاتے ہیں ادھر کیا صورت حال ہے ادھر چیک کرتے ہیں پھر میں نے بائک نکالی شکیل بھائی آفس سے جا صاحب اور رضوان میں یم نیچے اسکول آگے چیک کرنے کے ادھر چیک کرتے ہیں کیا صورت حال ہے تو ادھر بھی طریق مطلب ٹھیک ہی جا رہی تھی پھر ہم تھوڑی دیر گزارنے کے بعد واپس آ گئے پھر ٹائم ہو چکا تھا کافی صبح سے سب نکلے ہوئے تھے تو سب کو لگی ہوئی تھی بھوک اور کسی نے کہا کہ آؤ یار ادھر سے کھانا کھاتے ہیں پھر ادھر آ گئے سب چاول کھانے سب سے گپ شپ لگانے کے بعد میں نے اپنی ووٹ کاسٹ کی تقریباً دو کے بعد ہمیں اور میرے ساتھ دو کزن تھے عمران شاہ اور رفاقت بھائی ہم تینوں نے اکٹھی ووٹ کاسٹ کی کیونکہ پہلے کافی رش تھا تو پھر شام کلوزنگ کا وقت ہو گیا جی یہ شام کو ہو رہا ہے پانچ بج گئے تھے جی لالا رمضان لالا رمضان کہاں ووٹ دے دیا گڈ ویری گڈ ساری طریقے فائنلی جی ٹائم ختم ہو گیا گیٹ بند تھی لگا اور گیٹ بند ہو گیا جی پولنگ نے ٹائم جو ختم ہو گیا اعتبار نہیں ہے جناب ایک چھوٹی نا سیٹ ایک سو انہتر ڈیڑھ سو ہے آج بھی میرا بابا جی چلو چلو یا رسول اللہ ادھر سے شاندار کامیابی کے بعد پھر ہمارا قافلہ روانہ ہوا دوسرے پولنگ اسٹیشن کی طرف ادھر سے بھی ہماری شاندار کامیابی ہوئی آگے چل کر آپ ادھر سے بھی ووٹ چیک کر لیں کہ کتنی لیڈ سے ہم نے ان کو جو ہے ہرایا ہے
اندر نصیر بھائی ہے وے دو منٹ صبر کر نصیر نصیر بھائی ہے وے شیر دے تو تلے رہ گیا نا جی جی شیر تلے شیر کسا ہو گا جی ہن ایتھے ساتھ ہاڑی کتیاں 270 ٹھیک